नमस्कार, मैं हूं लक्षिका डागर। आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। ब्रह्मा ऋषि विकास मंच के द्वारा आज राजधानी के आईएमए हॉल में स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। समारोह में राज्यभर से प्रतिनिधियों ने शिरकत किया। वहीं इस अवसर पर मंच के द्वारा समाज को एकजुट करने और किसी भी राजनीतिक दलों के द्वारा उपयोग नहीं होने की भी समाज के लोगों से अपील की गई। हो गया। दीपक भैया है ये फिर हम लोग दिक्कत। सभी को हैं सब कोई तो पहुँच गए। जय परमार सिंह। लेकिन चर्चा हम लोगों के लिए समाज के जुड़े कर आखिर कैसे होंगे। मैं सिंपु कुमार से आग्रह करता हूँ कि वो आए मंच पर और अपनी बात को रखे। सिंपु, मेरा नाम सिंपु कुमार है, ग्राम सुजा झालावाड़ से बोल रहा हूँ। इस संगठन से जैसे कि पिछले साल आज का सुप्रीम करण के हम लोग बात करते हैं और इसी कार्यक्रम को हम लोग बाकी बहुत सारे अभी वक्ता हैं तो हम चाहेंगे अपने वाणी को यहीं पे विराम देंगे। और देखिए, ब्रह्मर्षि विकास मंच फाउंडेशन की स्थापना हम किया 2 साल हो गए। ये स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं अपने संगठन का कि ब्रह्मर्षि के लिए क्या हमारा संगठन कर रहा है, क्या कर सकता है, इसी के लिए कार्यक्रम बनाएंगे। क्या क्या कर सकता है, जैसे जिस तरह से आप लोग का समाज टुकड़ों टुकड़ों में बिखरा हुआ है तो एक करने के क्या किस तरह की कदम है? देखिए, टुकड़ों टुकड़ों में तो बिखरा हुआ कम है, ये दूसरे बोलते हैं। हमारा समाज एक है। ब्रह्मर्षि समाज के लिए सभी लोग समय आने पर एक खड़े एक रहते हैं और एक है। थोड़ा सा मोटिवेट करने की आवश्यकता हम लोग को होती है समय पर कि मोटिवेट करें कि एक हो। और पहला मोटिवेशन यह है कि हमारा ब्रह्मर्षि समाज किसी दल का गुलामी नहीं करे, अपना स्वतंत्र रहे, किसी दल का बंधुआ मजबूत नहीं करे। ठीक, नाम बता दें। मणिभूषण शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष ब्रह्मर्षि विकास मंच। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।